नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। नगर में बुधवार को अपनी रिश्तेदारी में एक 13वीं की रस्म में हिस्सा लेने जा रहे एक व्यक्ति की लूट का विरोध करने पर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम एक खेत में कार्य कर रहे बिहारी नौकर ने दिया। जब वह बिहारी नौकर राहगीर के शरीर के ऊपर धारदार हथियार पलकटी यानी कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, तो वहां पड़ोस के खेत में कार्य कर रही अन्य महिलाओं ने शोर शराबा किया, तो वह महिलाओं के पीछे भी हत्या में प्रयुक्त हथियार लेकर उनके पीछे दौड़ा, जिस पर महिलाओं ने गन्ने के खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई। किंतु ग्रामीणों के अधिक संख्या में पहुंचकर उक्त हत्यारोपी नौकर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थाना कांदला क्षेत्र के गांव भारसी निवासी रघुनाथ 62 वर्ष बुधवार को अपने गांव भारसी से एलम पैदल जा रहा था। वह अपनी बहन के पति रामपाल निवासी ठिकाना बागपत में की रस्म 13वीं में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। जब वह एलम गांव के निकट पहुंचा, तो वहां खेत पर कार्य कर रहे एक बिहारी नौकर राजू ने उसे अकेला देखकर धारदार हथियार पलकटी यानी कुल्हाड़ी के बल पर उससे लूट करनी चाहिए। किंतु जब रघुनाथ ने लुटेरे राजू का विरोध किया, तो राजू ने उस पर धारदार हथियार से कई बार प्रहार किए, जिससे रघुनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। जब वह बिहारी नौकर राहगीर के शरीर के ऊपर धारदार हथियार पलकटी यानी कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, तो वहां पड़ोस के खेत में कार्य कर रहे अन्य महिलाओं ने शोर शराबा किया, तो वह उन महिलाओं के पीछे भी हत्या करने के प्रयुक्त हथियार लेकर उनके पीछे दौड़ा, जिस पर महिलाओं ने गन्ने के खेत में छिपकर अपनी जान बचाई। महिलाओं के द्वारा शोर शराबा सुनने पर हत्यारे राजू विचलित होकर एक गन्ने के खेत में जा छिपा। ग्रामीणों ने बामुश्किल राजू को काबू में कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ये घसियारी आ रही थी, वे घसियारी वो चून लेकर घर से आ रहा था और यो नौकर घर से जा आ रहा था। घसियारी ने रोड़ा दिया, उनने खरपाली मारी, उनने रोड़ा दिया घसियारी ने। कहने लगा मार दिया मार दिया, वो इधर को ही खमकर निकल गया, भाग गया उधर से। यो यो के यो भाग गया और कहने लगा मार दिया मार दिया, पकड़ लो घेर लो। वो उधर ही वो ईख मार निकल गया, फिर बरसी में खरपाली ले रहा था, मैं वो घेरा घेर कर मैं वो पकड़ा पकड़ के बस इतने में सब आ गए। और आप भी हथियार ठहरा उसने आप भी हथियार ठहरा नहीं दिखाया, मैं जब भी हथियार खरपाल ली। क्या बोल रहे हो? वो कहता है काट दूंगा, मगर काट को कट जाएगा सारे, काट के दाब देंगे। हाँ हाँ ठिकाना ज़्यादा तेरा मन में तो रास्ते में हरगिर का कलेसर था पहले ही, बीच में बिहारी था, कोई पलकटी लेता उसने उसका पलकटी मारी। क्या मौके पर मौत हो गई? नहीं हाँ वही मौके पर मौत हो गई ज़्यादा थी, तो गांव वाले थे जो अल्लम वाले वहाँ छोड़ लेते, उन्हें भाग कर से बचाने की कोशिश करी और उन्हें उसे पकड़ा खेत में था, पलकटी लेट था उसमें, उन्होंने जनानी को और उन पर भी हमला करा। पुरानी क्या पुरानी रंजिश थी कोई? नहीं कोई रंजिश नहीं, महाराज तो कोई मतलब कोई और भी घायल है इसमें? नहीं और नहीं। क्या कुछ कुछ लूटपाट हुई है क्या? लूटपाट नहीं, पैसे लुटे नहीं पाए। अच्छा हाँ लूटपाट की कोशिश करी उसने। अच्छा तो ये जैसा बोल रहा होगा तो इसका सीधी पलकटी मारी यहाँ और यहाँ और ये था ऊपर लूट में। जो मृतक हैं रघुनाथ भारसी गांव के रहने वाले, अपने किसी रिश्तेदारी में 13वीं में जा रहे थे, सुबह ये बताया गया है। जाते हुए इन पर उसी गांव में पहले से दूसरे परिवार में एक नौकर कोई बिहार का रहने वाला है राजू, उसने इन पर प्रहार किया है। अभी बहुत स्पष्ट कारण नहीं मालूम हुआ है कि किस कारण से प्रहार किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन वह प्रहार इनके सर पर हुआ और उससे उनकी मृत्यु हुई है। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी जो अभियुक्त है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक परिवार में उसी गांव में नौकरी कर रहा था और बिहार का रहने वाला है। आगे की जानकारी कर रहे हैं, जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। ठीक है थैंक यू। चोरों के एक गिरोह ने गत रात अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए नगर के मुख्य बाजार में 4 दुकानों के ताले चटकाए। चोरों ने सबसे पहले बड़ा बाजार में आनंद स्वरूप सुनार की दुकान के ताले चटकाए। उक्त दुकान के ऊपर दुकान का कारीगर श्रीकांत रहता है। शोर शराबा सुनकर उसने जैसे ही आवाज दी तो चोर टूटे ताले छोड़कर फरार हो गए। बाद में चोरों ने मांगेराम की दुकान कृष्णा क्लॉथ हाउस के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां भी उन्हें अपने इरादों में कामयाबी नहीं मिली। मुरारीवाला स्थित चूहड़मल नमकीन की दुकान में भी चोरों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। बाद में चोरों के इस गिरोह ने चौक
स्थित जैना नीड्स पर धावा बोला और वहां दुकान के बाहर लगे रैक के ताले तोड़कर उसमें से नमकीन के पैकेट, साबुन, मैगी, बिस्किट आदि चोरी कर लिए। चोरी लगे सामान की कीमत 1000 रुपए बताई गई है। एक पखवाड़े के अंदर उक्त दुकान में चोरी की है दूसरी घटना है, जबकि एक वर्ष के अंदर तीसरी बार दुकान में चोरी हुई है। दूसरी ओर धीमानपुरा स्थित माँ दुर्गा टेंट हाउस की दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने दुकान में रखा बैटरा, इन्वर्टर, टीवी, चार्जर आदि चोरी कर लिया। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 12,000 रुपए बताई गई है। चोरी की बढ़ती घटनाओं पर व्यापारियों में गुस्सा और रोष भी है। पास कोई हमारे पे यहाँ पे उपद्रव मचा हुआ है, जब से हमारा ये प्रबुद्ध नगर बना है जब से, तो यहाँ पे बहुत ही अतिचार हो रहा है और इतना जुलम हो रहा है हमारे साथ में, व्यापारियों के साथ में, कि जीना मुश्किल हो गया है। मेरी दूसरी तीसरी बार चोरी होली, पीछे गोदाम में भी चोरी होली, 1 साल पहले चोरी हुई, अभी तीसरी बार छत ली, चौथी बार अब जाइए दोबारा फिर अलमारी फाड़ दी। मेरे से कोई गलती होगी मैं उस चोर से भी क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मुझे गलती तो बताए कि मेरी गलती क्या है। मैं ये तो जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा जुलम कौन सा करा। मेरे समझ में ये नहीं आता कि हम लोग व्यापारी लोग इसे इनको रखते हैं वॉचमैन को, वॉचमैन हमारे पास वॉचमैन कोई गारंटी सुधा नहीं होता, जबकि सिक्योरिटी वाले होने चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा व्यापार मंडल जितना कि एक्टिव होना चाहिए था, हमें उसका कोई सहयोग नहीं मिल पाया। अब कोई रसीद काटने का समय आता है जब आ जाते हैं, इसके बाद अभी हमने सूचित किया था पिछली बार भी, उस पर कोई किसी कार्यवाही कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ हमारा। अभी तक हमारी पहली कंप्लेंट भी पक्की नहीं हुई, सबसे बड़ा दुख का कारण ये है। हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, ना मैं ऐसा कोई किसी का बुरा चाहते, लेकिन हमें रिजल्ट किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। हम लोग अपेक्षा करते हैं, मीडिया के माध्यम से अपेक्षा करते हैं कि हमें इस कार्यवाही में, इस चोरी के माध्यम जो भी हमारा हो रहा है इसमें खोलने में हमारा सहयोग प्रदान करें। हमें मीडिया के बंधुओं से बहुत बहुत आशा करते हैं इस प्रकार की, कि आपका सहयोग हमें मिलेगा, इसको मुद्दे को जितना आप ज़्यादा उछाल सकते हो। पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, कह रहे हैं आपने बस वॉचमैन रखा है, वॉचमैन जिम्मेदार होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए शब्द लगाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करता हूँ मैं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। इसको निष्कर्ष कहते हैं अभी हम लोग फ्री नहीं है, हम इस कार्य में जुटे हुए हैं, सुबह शाम तक कार्य करते हैं, हमें आराम नहीं है बिल्कुल भी जरा सा भी। अब हमारी कोई गलती थोड़ी ना, आराम तो उनको जैसे ड्यूटी अपनी डिवाइड कर लो, स्टाफ तो पूरा है। ये चोरी हो गई है, टेंट हाउस जी, स्टेबलाइजर, टीवी और ये बैटरी, चार्जर, इन्वर्टर, 10-12 हज़ार रुपये का कर दीजिए। सिटी बिजली घर के निकट बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर का एक्सल टूट जाने से सड़क पर बने अवरोध के कारण नगर में दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। सुबह के समय खाली सड़क पर एक ट्रैक्टर तेज गति से जा रहा था, इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन को देखकर चालक ने जैसे ही स्पीड के बावजूद ब्रेक लगाने का प्रयास किया, ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क पर घूम गया और उसका एक्सल टूट गया। ट्रैक्टर बीच सड़क पर तिरछा होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सड़क पर गतिरोध पैदा हो गया, जिससे वहां दिन भर जाम की समस्या बनी रही। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जहां 2 फरवरी से शुरू होने जा रही है, वहीं नामांकन से लेकर चुनाव संपन्न होने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च जारी है। 28 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में तथा 2 फरवरी से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया से लेकर 28 फरवरी को मतदान संपन्न होने तक की अवधि में लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने नगर के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अर्धसैनिक बलों की वर्दी और हथियारों को देखने को लेकर लोगों में उत्सुकता भी बनी रही। न्यूज 7 में हो चला है वक्त छोटे से ब्रेक का, जाएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। डेकॉन का सुपर हिट T65 मूवी फोन, इसमें है 16 GB तक का मेमोरी, वीडियो प्लेयर और लंबी बैटरी लाइफ। डेकॉन हर मुसाफिर का साथी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जैन कंप्यूटर होम, केराना रोड, शामली। मोबाइल नंबर 9412127369837017736। पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना व दूध बढ़ाने की पहली देसी दवाई सोम धारा योग। फसलों पर बढ़ते स्प्रे ने पशुओं के थनों को बहुत अधिक खराब कर दिया है। पशुओं के पिछले ब्यांत पर थनों में हुई किसी भी प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए व नए ब्यांत पर थनों की सुरक्षा के लिए अपने दुधारू पशुओं को सोमधारा योग अवश्य खिलाएं। सोमधारा योग से हमारे भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है।
मारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हर मेडिकल स्टोर व हर पंसारी की दुकान पर उपलब्ध है। पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। BSM School, affiliated to CBSE 10 plus 2, an English medium co-education senior secondary school, well-furnished computer lab, well-equipped lab for physics, chemistry and biology, large collection for the reference books in library, a vast playground, well-qualified faculty, all the subject remoted with the support by TechNext technology. We develop 100% quality, 100% honesty, 100% personality, 100% efficiency, 100% morality. BSM School, BS Park, Colonel Road, Shamli. फोन नंबर 01398259940, ईमेल bsmschool25940@gmail.com। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर कैलाना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837012736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। स्वागत है। एक ट्रक चालक ने एक पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। मोहल्ला पंसारिया निवासी साजिद ट्रक चलाने का काम करता है। साजिद का आरोप है कि जब वह ट्रक लेकर आ रहा था तो विजय चौक पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उससे 100 रुपए की मांग की तथा उसके द्वारा विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। साजिद ने राजकीय चिकित्सालय में अपना डॉक्टरी परीक्षण कराकर अधिकारियों से शिकायत की है। मेरा चाहे एंट्री के पैसे मांग रहा था, 100 रुपए मैंने दे नहीं, मंडी से आ रहा था बस उन्हें लट बजाना शुरू कर दिया इसी वजह से। किधर जा रहे थे? मंडी की तरफ। बाहर जा रहा था मैं तो, गुरुद्वारे की तरफ। गुरुद्वारे की तरफ रोका। हाँ जी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री विनायक राव देशपांडे ने कहा कि गोमाता की रक्षा से ही हिंदू समाज की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा निधि के तहत एकत्रित धनराशि समाज व धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। विनायक राव देशपांडे ने कहा कि भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब शहरों में गोवंश की हत्याओं की बढ़ती घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि समाज में गोवंश व्याप्त हो गया तो इससे धर्म और समाज भी प्रभावित होगा। कार्यक्रम को विहिप के प्रांतीय संगठन मंत्री ईश्वर प्रसाद, विभाग संगठन मंत्री वीर सैन, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष मलिक, जिला मंत्री नेत्रपाल, सहमंत्री रविंद्र शर्मा, नेत्रपाल राणा, राजबहादुर आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कली राम गर्ग तथा संचालन अरविंद गौतम ने किया। इसमें राष्ट्र की रक्षा के लिए लोगों इकट्ठा करके कुछ समर्पण निधि लेकर के जो समाज के काम आवे, समाज और देश के, उसमें समाज को जोड़ने के लिए उस संगठन के खर्च के लिए काम आवे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शामली में चल रहा 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर संपन्न हो गया। बुढ़ाना रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शामली में आयोजित 3 दिवसीय शिविर में लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया। शिविर में छात्रों ने ध्वजारोहण, शिष्टाचार, नियम प्रतिज्ञा, स्वास्थ्य के नियम व विभिन्न प्रकार की मीनारे बनाने का प्रशिक्षण लिया। शिविर का संचालन जिला संगठन गाइड कमिश्नर उमा सैनी द्वारा किया गया। शिविर के समापन पर प्रधानाचार्य योगेश त्यागी ने बच्चों को दीक्षा दिलाई। मास्टर ट्रेनर नीरज ने स्काउटों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रबंधक घनश्याम दास व स्काउट गाइड में राष्ट्रपति से सम्मानित राम रतन ने छात्रों को स्काउट गाइड के नियमों का पालन अपने दैनिक जीवन में पालन करने की सीख दी। सैनी, मैं जिला संगठन गाइड कमिश्नर मुजफ्फरनगर से आई हूँ। यहाँ पे स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये प्रवेश स्काउट हैं और इनको जो है स्काउटिंग गाइडिंग की जो प्रारंभिक जानकारी है वो सब दी जा रही है। इसमें
इन बच्चों को विभिन्न प्रकार के योगा, विभिन्न प्रकार की कसरतें और किस तरह से एक जो है बच्चे को स्काउटिंग में बाहर के वातावरण की जानकारी दी जाती है, हाइक के बारे में, मार्च पास्ट के बारे में बताया गया है, विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मीनारें बताई गई हैं, झंडे का बांधना फहराना जिसे हम यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी बोलते हैं, पूरा फ्लैग प्रोसीजर जितना भी है वो सब इन बच्चों को दिया गया। आज शिविर का समापन है जिसमें कि बच्चे आज अपने विभिन्न टोलियों में कार्यक्रम करेंगे, मीनारे बनाएंगे और आज इन बच्चों की स्काउट की दीक्षा भी दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के MLC लोकेश प्रजापति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रजापति समाज को संगठित होकर बसपा सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने की अपील की है। शामली के मोला शास्त्री नगर में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में MLC लोकेश प्रजापति ने कहा कि बसपा पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर जाति धर्म को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि बसपा पार्टी ने ही प्रजापति समाज को एक विशेष स्थान दिया है। उन्होंने प्रजापति समाज को एकजुट होकर बसपा प्रत्याशी बलबीर सिंह मलिक को जिताने की अपील की है। ये जन सैलाब देख करके ऐसा लगता है कि प्रजापति समाज के लोगों ने दोस्तों ये तय कर लिया है, क्योंकि मैं इस समाज की बात कर रहा हूं कि जो समाज मिट्टी से भगवान बना सकता है, तो वो समाज अगर मन में तय कर लिया है कि बलबीर किवाना को हमें विधायक बनाना है, दुनिया की कोई भी ताकत इनको विधायक बनने से रोक नहीं सकेगी। क्योंकि साथियों आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।